2020 बड़ी फिल्मों का साल नहीं रहा। इस साल शाहरुख सलमान की फिल्में नहीं रिलीज़ हो पाई, वजह थी लॉकडाउन, मगर कुछ फिल्में रिलीज़ हुई और उन्होंने ज़बरदस्त कमाई भी की। इस साल सिर्फ दो फिल्में ऐसी हैं जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकी। आइए जानते हैं इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्में कौन सी हैं। साल 2020 की सबसे बड़ी फिल्म की बात करें तो वह है तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज़्यादा कमाई की। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में तानाजी, बागी 3, स्ट्रीट डांसर 3D, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, मलंग, शपाक, लव आजकल, जवानी जाने मन, थप्पड़ और पंगा शामिल है। साल 2020 में जिस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई की वह है तानाजी द अनसंग वॉरियर। अजय देवगन और काजोल एक लंबे गैप के बाद तानाजी द अनसंग वॉरियर में साथ नजर आए। इस बात का फिल्म पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। फिल्म की कहानी 1670 की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। इस युद्ध में मराठाओं और मुगलों से कोंकण जिले को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। अजय देवगन का एक्शन दर्शकों को खूब पसंद आया। फिल्म ने पूरी दुनिया में 367 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें 332 करोड़ रुपए भारत में ही कमाए और 34 करोड़ रुपए उन्होंने बाहर से कमाए। अब बात करते हैं बागी 3 की। बागी सीरीज़ की तीसरी किस्त इस साल रिलीज़ हुई थी। टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार अंदाज में वापसी हुई और फैंस को ये खूब पसंद भी आई। ये इस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ओवरऑल फिल्म ने 137 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 111 करोड़ सिर्फ भारत से कमाए हैं, जबकि 25 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रीट डांसर 3D की। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। हालांकि ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो सकी, मगर साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने भारत में 81 करोड़ की कमाई की और देश से बाहर 15 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह फिल्म ने कुल कमाई 97 करोड़ रुपए की। बात करते हैं शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की। आयुष्मान खुराना हमेशा लीक से हटकर फिल्में चुनते हैं। इस साल वे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान फिल्म लेकर आए थे। ये फिल्म समलैंगिक जोड़े पर आधारित थी। आयुष्मान इसमें गे बने हुए थे। फिल्म ने दर्शकों पर काफ़ी हद तक जादू चलाया, मगर बहुत बड़ी हिट नहीं बन पाई। ये इस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने कुल 86 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 72 करोड़ रुपए भारत में और 14 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए। अब बात करते हैं मलंग फिल्म की। आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी स्टारर फिल्म मलंग ने भी दर्शकों को अपनी ओर खींचा। फिल्म ने कुल 84 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 70 करोड़ की कमाई सिर्फ भारत से हुई, 14 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए। मलंग 7 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। इसे टी सीरीज़ के भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव फिल्म्स के लव रंजन, अंकुर गर्ग और नॉर्दर्न लाइट्स एंटरटेनमेंट जे शिवकर्मणी ने प्रोड्यूस किया था। अब बात करते हैं शपाक की। शपाक फिल्मों में दीपिका पादुकोण के लीड रोल वाली फिल्म शपाक में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी बताई गई। उस पर 15 साल की उम्र में एक शख्स ने एसिड फेंक दिया था। शपाक ने लक्ष्मी की इंस्पायरिंग जर्नी को भी हाईलाइट किया कि कैसे उसने एसिड अटैक्स के अगेंस्ट अभियान शुरू किया। दीपिका पादुकोण ने अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाई और वह फिल्म की आत्मा है। यह फिल्म फैंस को भी पसंद आई। फिल्म ने कुल 55 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 40 करोड़ रुपये भारत में और 14 करोड़ रुपये बाहर से कमाई की। अब बात करते हैं लव आजकल की। इस साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लव आजकल। एक्ट्रेस सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आई। ये सैफ अली खान की फिल्म लव आजकल का सीक्वल थी। ये एक रोमांटिक फिल्म है जो वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई। फिल्म में दो लव स्टोरी दिखाई गई, पहली 1990 के एक स्कूल बॉय की और दूसरी लव स्टोरी 2020 के जवानी की। फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म ने ओवरऑल 52 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें भारत में 41 करोड़ और देश के बाहर 10 करोड़ रुपए की कमाई की। अब बात करते हैं जवानी जाने मन। इस लिस्ट में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म जवानी जाने मन है। इसमें सैफ अली खान और तब्बू को डायवर्सी दिखाया गया, जिनकी एक जवान बेटी भी होती है और सैफ अली खान उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। फिल्म दर्शकों पर कुछ खास जादू नहीं कर पाई। ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ओवरऑल 44 करोड़ रुपए में, जिसमें
34 करोड़ रुपए भारतीय और 10 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए। अब बात करते हैं थप्पड़। तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ महिलाओं पर बेस्ड थी। फिल्म में एक शादीशुदा महिला अपने पति के खिलाफ केस लड़ती है और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाती है। महिलाओं का ये फिल्म काफ़ी पसंद आई मगर बॉक्स ऑफिस पर खास जादू नहीं कर सकी। फिल्म ने ओवरऑल 44 करोड़ रुपए कमाए जिसमें 36 करोड़ की कमाई भारत में और जबकि 8 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए। अब बात करते हैं पंगा। पंगा की कहानी एक नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर पर बेस्ड है जिसमें कंगना ने जया निगम नाम की लीड किरदार निभाया है जो एक कबड्डी प्लेयर है। बता दें कि अश्विनी आयर तिवारी इस फिल्म में कंगना के साथ जस्सी गिल, रिचा चड्ढा, नीना गुप्ता जैसी एक्ट्रेस भी नजर आए। इस फिल्म ने ज़्यादा कमाई तो नहीं की मगर टॉप टेन में जगह बना ली। इस फिल्म ने कुल 41 करोड़ रुपए कमाए जिसमें 34 करोड़ रुपए भारत से और 7 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए। तो दोस्तों ये थी 2020 की वो फिल्में 10 जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की। तो आपको इन फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी फिल्म आप चाहते थे कि 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सके तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें आपको मिलती है इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।